अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग रमज़ान की प्रेपरेशन का दूसरा और लास्ट व्लॉग है। इस व्लॉग में मेरी रमज़ान की जो भी मुझे रमज़ान से पहले की तैयारी करनी थी वो सारी मेरी फिनिश हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं कि रमज़ान 1% खाने के बारे में है और बाकी 99% अल्लाह ताला से नज़दीक होने के लिए होता है। तो उस 99% को पाने के लिए हमें कुछ प्रेपरेशंस करनी होती है। तो बस मैं भी चाहती हूँ कि मैं कम से कम टाइम खाने बनाने के सोचने पे या खाने बनाने के लिए मैं स्पेंड करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे स्पेंड करूँ। खैर, मैंने आसानी के लिए कैलेंडर भी बना ली है कैनवा पे, मैं आपके साथ लेटर ब्लॉग में शेयर कर लूँगी, जिसमें मैंने अपनी मेन्यू बना ली है ऑलरेडी 30 डेज़ के लिए। तो मैंने एक एक हफ़्ते का कैलेंडर बना लिया है, मैं उसको प्रिंट करके फ्रिज पर लगा दूँगी तो सबको पता भी होगा कि क्या एक्सपेक्ट करें इफ्तार के लिए। वैसे कोई भी स्पेशल ऐसी हमारी मेन्यू नहीं होती, सिर्फ़ पकोड़े समोसे इस तरह की चीज़ें जो है वो थोड़े एक्स्ट्रा होते हैं रमज़ान की वजह से, और डिज़र्ट हर रोज़ बनती है। और वैसे तो जो हर रोज़ खाना बनता है वही होता है। खैर, व्लॉग की शुरुआत यहाँ पर आइकिया से इसलिए हो रही है क्योंकि मुझे आइकिया जाना था, मेरे बेटे को नाइट लाइट चाहिए थी तो मैंने जल्दी से वो पिकअप कर ली। वैसे मैंने 2 दिन पहले ही आइकिया से डिलीवरी के लिए एक ऑर्डर प्लेस की हुई थी, लेकिन उसे नहीं पता था तो, और मुझे बताना चाहिए था सबको कि अगर किसी को कुछ चाहिए तो मैं अपने ऑर्डर के साथ ही मंगवा लूँगी। लेकिन खैर, घर के नज़दीक ही है, पहले आइकिया हमारे घर से दूर था, अभी घर के पास ही आया है। तो ये बॉल भी मैंने उसमें ऑर्डर की हुई थी, मुझे बस यहाँ पर आके देखना था क्योंकि मैंने ऑनलाइन सिर्फ देखी थी। ब्लू वाली बॉल जो है और ये वाली भी मैंने ऑर्डर की थी, ये दोनों इसमें, इन दोनों बॉल्स में बेक भी कर सकते हैं। और ये वाले छोटे बॉल के सेट जो हैं ये भी मैंने 2 सेट इसके ऑर्डर किए हुए थे, तो यहाँ पर देखे मुझे बहुत अच्छे लगे। एक और सीरियल बॉक्स भी मुझे चाहिए था क्योंकि मैंने उसमें अपने दालें डाल दी, तो मेरे बेटे को एक और सीरियल बॉक्स चाहिए था तो वो भी मैंने ले ली। और फिर मुझे आइस क्यूब ट्रेस भी लेने थे गार्लिक और जिंजर को फ्रीज करने के लिए, लेकिन यहाँ पर मैंने ये इतनी क्यूट से शेप्स वाली आइस क्यूब ट्रे देखी तो मैंने आइस वाटर आइस क्यूब्स के लिए मैंने फिर ये वाली ले ली। और ये ब्लू जो है मैंने मिंट कोरिएंडर गार्लिक जिंजर के क्यूब्स, इस तरह के क्यूब्स के लिए मैंने ले ली। और यहाँ बस मैं किचन्स को देख कर यहाँ पर इंस्पायर हो रही थी, इतनी छोटी छोटी सी जगह में ना इन लोगों ने इतनी अच्छी सी सारी चीज़ें मैनेज की हुई होती हैं। जरी ने अपने लिए एक बड़ा सा शार्क लिया और बस हम निकल पड़े हैं अभी इसके, इस मॉल के साथ ही एक ग्रोसरी स्टोर है तो मैं वहाँ पर अभी जाऊँगी, थोड़ी सी ग्रोसरी बाकी है। ये डायनामाइट स्टोर को देख के मुझे पुरानी मेमोरीज याद आ गई, मैं और मेरी बड़ी बहन जो है डायनामाइट बहुत आया करते थे और यहाँ से बहुत शॉपिंग करते थे मैं और मेरी बड़ी बहन, जो तो छोटी वाली है वो बहुत छोटी थी उस वक्त। मॉल हम अक्सर आया करते थे बहुत साल पहले, और फिर एक अरसा ऐसा था कि मेरी एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि मैं घर के पास जो कॉफ़ी शॉप है मैं वहाँ भी नहीं जा सकती थी, बस मैं घर पे ही होती थी। अच्छा, ये मिनी सो है मेरी बड़ी बेटी का फेवरेट स्टोर, वो बड़ी तो हो गई है लेकिन उसके अब भी ऐसे वाले स्टोर्स जो है वो ऐसे ही स्टोर्स जाना पसंद करती है। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है आजकल, आज इस दिन जो था वो 8 डिग्रीज था आउटसाइड और इतना प्यारा लग रहा था ना मुझे। जरी तो बार बार कह रही थी कि उसे जैकेट नहीं पहना, लेकिन खैर इतनी गर्मी भी नहीं थी। सामने जो है, जो आपको नज़र आ रहा है, ये मूवी थिएटर है जिसकी अंदर की शक्ल मैंने कई सालों से नहीं देखी। मैं घर पे भी मूवी नहीं देख सकती क्योंकि मुझे एक जगह बैठ के 2-3 घंटे में मुझसे बैठा नहीं जाता, मैं घर पे भी मूवी नहीं देख सकती इस वजह से।
खैर इसके बाद अभी मैं जाऊंगी ग्रोसरी स्टोर जो इस मॉल के बिल्कुल करीब ही है, और हमारा जो जिस लॉ ऑफिस में मैं काम करती थी ना, वो जो सामने वाली बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ना, वो उसके पीछे वाली बिल्डिंग है। तो ये वाला एरिया जो है, यहाँ पर मेरी बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ हैं। घर आते साथ मैंने ग्रोसरीज रखी, और फिर मैंने फ्राइड चिकन ड्रमस्टिक्स और वाइट राइस के साथ बनाए थे। चिकन ड्रमस्टिक्स की यही रेसिपी है जो मैं हमेशा बनाती हूँ, और इसकी डिटेल रेसिपी जो है वो इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगी अगर आपको देखनी है। लेकिन ये इसमें अगर आप थोड़ा सा सिनेमन ऐड करें, इस रेसिपी मैंने सिनेमन ऐड नहीं की, लेकिन अगर आप 1/4 टीस्पून सिनेमन इसमें ऐड करें ना, तो ये इसका टेस्ट बिल्कुल जो अलबेक चिकन होती है ना, जो मिडिल ईस्ट में मिलती है, तो बिल्कुल उसकी तरह होती है। और इस मैं ड्रमस्टिक्स में जो है बीच में कट कर लेती हूँ इस तरह से, तो मैरिनेशन भी अच्छी हो जाती है और कोटिंग भी इसकी ज़्यादा सरफेस पे हो जाती है। सॉफ्ट जूसी क्रंची जैसे फ्राइड चिकन को होनी चाहिए ना, बिल्कुल वैसे ही बनती है। अगर आपको ट्राई करनी है तो रेसिपी मेरे इंस्टाग्राम पेज पे है, और साइड पे जो है मैं शामी कबाब की तैयारी भी कर रही थी। और दूसरे स्टोव पे जो है पिज़्ज़ा स्प्रिंग रोल्स की स्टफिंग मैं रेडी कर रही थी। तो ये चिकन ब्रेस्ट है, इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल में मैं इसको सॉटे कर रही हूँ, इसके ऊपर मैंने सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल दिया। और शामी कबाब की रेसिपी जो है वो मैंने शान मसाला की बॉक्स के पीछे जो रेसिपी होती है, मैंने बस उसे ही फॉलो किया, एक्सेप्ट लास्ट में मैंने इसमें चॉप्ड कोरिएंडर और मिंट इसमें मैंने ऐड किया था। मीट और दाल की क्वांटिटी मैंने वैसे ही रखी थी जो बॉक्स के पीछे थी, लेकिन मैंने सिर्फ हाफ़ बॉक्स का मसाला उसमें डाला है, मैंने पूरा बॉक्स नहीं डाला, और फिर भी इसमें सॉल्ट की मुझे कोई कमी नहीं महसूस हुई। तो मुझे नहीं पता अगर मैं पूरा बॉक्स डालती तो इसमें कितना ज़्यादा सॉल्ट होता। खैर इस पॉइंट के बाद जो है मैंने इसको और भी भूना, मैंने इसी तरह से स्टोव से इसको नहीं उतारा, मैंने और भी इसको भूना अच्छी तरह से, मैंने पानी को खुश किया, और फिर यहाँ पर ठंडा होने के बाद मैंने 2 eggs ऐड किए और पुदीना और धनिया भी ऐड किया। फिर जो मेसन जार की लिड होती है ना, तो मैंने वो लिया, क्योंकि मेसन जार की लिड के बीच में जो सर्कल होती है ना, तो वो बाहर निकल सकती है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि कबाब इसमें बनाना, इसमें शेप उसको करना इजी हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने स्टफ़ किया कबाब को, और जो बीच वाला हिस्सा है ना, तो उसको प्रेस करके फिर उसमें से कबाब को निकालना बहुत ही आसान हुआ। तो इस तरह से मुझे जो हाथ से हम शेप बनाते हैं ना, तो वो कभी कोई बड़ा आ जाता है, कोई छोटा आ जाता है, तो इस तरह से सारे एक ही साइज़ के बन गए थे। बीच बीच में मैं और काम भी कर रही थी, और फिर जैसे जैसे मुझे वक्त मिलता रहा तो मैं कबाब को बना के पार्चमेंट पेपर पे रखती जा रही थी, और उसके बाद जब सारे हो गए थे तो फिर मैंने इसको फ्रीज़र में डाल के फ्रीज़ किया। फिर यहाँ पर मैं अपनी किचन की ड्रॉर्स की सफाइयाँ कर रही थी। मेरे पास बहुत ही लिमिटेड स्पेस है इस किचन में, और काफ़ी ज़्यादा स्पाइसेस और ऐसी चीज़ें हैं, तो मुझे बहुत क्रिएटिव होना पड़ता है।
यहाँ पर इस स्टोर में जो स्पाइसेस बच जाती हैं जार्स वगैरह से, कंटेनर से, तो उसकी पैकेट्स मैंने सारी यहाँ पर रख दी हैं। तो उसके लिए मैंने अभी एक बॉक्स ले लिया था लिड वाला, जिसको मैंने जो डोर वाली पेंट्री है तो वो सारे स्पाइसेस मैंने उसमें ही डाल दिए जो अब भी एक्स्ट्रा थे। और यहाँ पर मैंने इन बोल्स को डाल दिया। और फिर मैंने निंजा की ब्लेंडर सिस्टम ऑर्डर की है, तो आज मैं वो भी ट्राई करूँगी फ़र्स्ट टाइम। और उसकी जो एक्सेसरीज़ हैं तो वो मैंने इजी एक्सेस के लिए यहाँ पर मैंने उसको डाल दी। और फिर बस मैं बंद करके देख रही थी कि सही तरह से बंद हो रही है या नहीं। सेकेंड ड्रॉर की बारी है, तो यहाँ पर मैंने अपनी बेकिंग की चीज़ें रखी हुई हैं, कुछ बेकिंग की चीज़ें। तो इसको निकाल के मैंने जो लोफ पैंस मेरी हैं, तो उससे मैंने इसके ऊपर वाली ड्रॉर जो है मैंने उसको वहाँ पर रख दी थी। और यहाँ पर मैंने ये रेड वाला सेट इसको रख दिया था। अब थर्ड ड्रॉर की बारी है, तो यहाँ पर कुछ आइकिया की जो मैंने नाइव्स वगैरह ऑर्डर की हुई थी तो यहाँ पर वो रखी थी। और मेरी पार्चमेंट पेपर, फॉइल पेपर, प्लास्टिक रैप, सारा क्लिंग रैप सारा यहाँ पर होता है। तो लोफ पैंट्स को मैंने यहाँ रख दी, और पार्चमेंट पेपर को और क्लिंग रैप को मैंने फ़िलहाल यहाँ पे रख दिया है। शायद मैं इसकी जगह चेंज कर लूँ, बस चीज़ें इधर से उधर और उधर से इधर करती रहती हूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे इजी एक्सेस लग रहा है क्योंकि अवन के बिल्कुल साथ ही है। और फिर ये लास्ट स्टोर है जहाँ पर कटलरी वगैरह सारी चीज़ें हैं, और इसको क्या कहते हैं, रोलिंग पिन को हम तो पश्तो में बेलन कहते हैं, मेरे ख्याल में उर्दू में भी शायद बेलन ही कहते होंगे, तो उसको भी मैं फिर यहाँ पर रखती हूँ। तो इसको भी सारी चीज़ों को निकाल के साफ़ करके फिर दोबारा से मैंने इसको वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर दोबारा रख ली। और यहाँ पर स्पाइस कंटेनर्स हैं मेरी सारी, तो सारी एक जैसी कंटेनर्स नहीं है। अगर मैं कोई पास्ता सॉस या क्रीम चीज़ की ग्लास कंटेनर हो या कोई भी चीज़ जो ग्लास कंटेनर में आती हो तो मैं उसको डिस्कार्ड नहीं करती, मैं उसको रीयूज़ करती हूँ, इसलिए सारे कंटेनर्स जो है वो एक जैसे नहीं हैं। अच्छा, यहाँ के लिए मैं लेज़ी सूजन्स लेकर आई हूँ। अब पता नहीं मैंने पहले क्यों नहीं ख़रीदे या नहीं सोचा इसके बारे में, क्योंकि जो पीछे वाले कंटेनर्स होते हैं ना, तो उसके आगे जो रखे हुए होते हैं तो पहले आपको वो निकालने होते हैं, फिर पीछे वालों को की एक्सेस होती है। तो बस इस तरह से ये ऑर्गेनाइज हुए। और फिर ये वाली जो है ये आइकिया की बुक शेल्फ है जो मैंने किचन में रखी है इस तरह से, और इसको भी मैं अभी रीऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। एक छोटा सा प्लांट मैंने रख दिया यहाँ पर थोड़ी ग्रीनरी के लिए। अच्छा, फिर मैं आइस क्यूब्स को भी रमज़ान के लिए जमा देती हूँ पहले से, क्योंकि ये वाला फ्रिज जो है इसमें ऑटोमेटिक आइस मेकर नहीं है जो कि आपको फौरन ही आइस दे देती है, तो मुझे जमा के रखनी पड़ती है। और ये देखिए कितनी प्रिटी लग रही है जो आइकिया से मैं लेकर आई थी। तो जब इफ्तार के लिए स्मूदीज़ वगैरह बनाते हम या वाटरमेलन ड्रिंक्स इस तरह की फ्रूट जूसेस, तो उसके लिए फिर आइस क्यूब्स मेरे पास रेडी होते हैं। और उसके बाद चटनी के लिए जो हर रोज़ बनती है, पकौड़ों, समोसों या स्प्रिंग रोल्स के साथ, सबको घर में सबको बहुत पसंद है, तो ये कोरिएंडर और मिंट को मैंने ब्लेंड कर लिया। और फिर इसको भी मैं फ्रीज करके फिर इसके आइस क्यूब्स को मैं स्टोर कर लूँगी।
और इसी वाली ट्रे में फिर मैं गार्लिक और जिंजर को भी फ्रीज़ कर लूँगी। तो इसको अभी इसके बाद मैं आइस क्यूब्स के लिए यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जो भी कर लें इससे उसका टेस्ट जो है वो नहीं जाता। हालांकि ये सिलिकॉन है, लेकिन फिर भी शायद मेरे माइंड में होता है। लेकिन इसके बाद मैं इस वाली ट्रे को वाटर आइस क्यूब्स के लिए यूज़ नहीं करूँगी। अच्छा, ये वाला निंजा का जो सिस्टम है तो इसमें डो मेकर भी है, तो मैंने ट्राई करना था इसमें कि अगर मुझे पसंद आए तो फिर जो मेरी किचन एड की डो मेकिंग मशीन है तो उसको फिर मैं रख दूँगी। गूंद तो लिया इसने, लेकिन जो क्लीन अप था ना इसका, इतना मैसी था और जो यानी मुझे पसंद नहीं आई इसकी, इसने जिस तरह से डो को नीट किया ना, क्योंकि मुझे लगता है कि जो किचन एड का की डो मशीन है ना, तो वो बनी ही इसीलिए है। और इसने भी अच्छा किया, लेकिन फिर भी उस तरह का नहीं किया। तो इसको मैं निंजा को मैं ब्लेंडिंग के लिए, चॉपिंग के लिए और इस तरह की चीज़ ग्रेटिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी। और डो के लिए जो है मैंने किचन एड को तो संभाल के रख लिया था क्लीन करके, लेकिन उसको मैं दोबारा से बाहर निकालने वाली हूँ। और यहाँ पर मैंने पराठों को भी फ्रीज़ कर लिया था, इतने ज़्यादा नहीं किया क्योंकि मुझे पता नहीं, अगर मैं फ्रीज़ करके इनको बनाऊँ ना तो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते जितने मुझे जितने फ्रेश बना के आप करते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं कर सकूंगी रात को, अगर मैं डो नीड करूँ ना तो मैं कर सकूंगी सहरी के टाइम। खैर, यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कैलेंडर, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा जो सहरी है, तो उसमें चाय, पराठा, एग, शामी कबाब या मलाई भी होती है। और इफ्तारी में मैंने आसानी के लिए सिर्फ मेन डिशेस ही लिखी हैं, वरना जो फ्राइड आइटम्स होती है, पकोड़े, समोसे, स्प्रिंग रोल्स, तो वो तो होंगी ही, लेकिन जो मेन डिशेस हैं तो वो मैंने अपनी आसानी के लिए, प्लानिंग के लिए मैंने यहाँ पर सारे लिख दी हैं। तो इस तरह की जो है मैंने 4 बनाई हैं। ज़ाहिर है 4 वीक्स रमदान में होते हैं, तो मैंने 4 वीक्स की मेन्यू बना ली है पहले से ही। अच्छा, यहाँ पर अभी मैंने अनियन और रेड पेपर को फाइनली चॉप कर लिया था, और इसको मैंने थोड़ी सी ऑलिव ऑयल में सॉटे कर लिया था। 2-3 मिनट सॉटे करने के बाद मैंने इसमें जो चिकन हमने भुना था अर्लियर, तो उससे मैंने डाल दिया, और उसके ऊपर मैंने इटालियन सीजनिंग्स डाल दिए थे। और ये मैं पिज़्ज़ा स्प्रिंग रोल्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। ये है रेड पेपर जेली, इसकी फ़्लेवर बहुत यूनिक होती है, बहुत मुझे पसंद है। अगर मिल सकती है तो ज़रूर डालें, नहीं मिलती तो कोई बात नहीं। और फिर गरम स्टफिंग में मैंने क्रीम चीज़ डाल दिया था ताकि वो मेल्ट हो जाए। फिर जब सारा मिक्सचर ठंडा हुआ तो उसमें मैंने ग्रीन अनियंस डाल दिए थे, और श्रेडेड मार्बल चीज़, मोज़रेला चीज़ भी आप डाल सकती हैं। और इसमें कॉर्न भी मुझे डालना था, लेकिन मुझे लग रहा था कि फ्रीज़र में है, लेकिन जब मैं घर आई तो फ्रीज़र में नहीं थे। और पता नहीं कि मैंने पूरा का पूरा बैग कैसे इमेजिन कर लिया कि पूरा का पूरा बैग ही पड़ा था। हालांकि मेरे हस्बैंड ने कई दफ़ा मुझसे पूछा कि लेकर आने हैं या नहीं, और मैं खुद भी कितनी दफ़ा गई हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि फ्रीज़र में है। खैर, कोई बात नहीं, मैंने कॉर्न के बग़ैर ही बना लिए थे। मुझे लगता है कि ये वाले स्प्रिंग रोल्स रेगुलर स्प्रिंग रोल्स से ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि सबको बहुत पसंद आते हैं ये वाले। फिर मेरे बेटे के आजकल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो बेचारा वो थोड़ा सा मुझे स्ट्रेस्ड आउट लग रहा था, और अगर मैं उसके लिए बेकिंग करूँ ना तो वो बहुत खुश होता है। तो मैंने सोचा कि उसके लिए डबल चॉकलेट चिप मफिन्स बना लूँ। इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसको मैंने कई दफ़ा बनाई है, और यही रेसिपी होती है जो मैं हमेशा इसी को ही फॉलो करती हूँ, और बहुत मज़े के बनते हैं।
कुछ मैंने एक बॉक्स में डालकर उसके ऊपर मैंने रमज़ान मुबारक एक स्टिकर के ऊपर लिख लिया खुद हैंड रिटन, और उसे मैंने नेबर्स के घर भेज दिया। अच्छा, अब मैंने चिकन ब्रेस्ट और चिकन थाइस के तीन हिस्से किए हुए हैं, जिनकी मैं डिफरेंट मैरिनेशन करके इनको फ्रीज़ कर दूंगी और फिर इफ्तार के टाइम इनको एयर फ्राई कर दूंगी। तो पहली वाली है तंदूरी चिकन, तो इसको मैंने मिक्स कर लिया है सारे जो तीनों हिस्से हैं, चिकन ब्रेस्ट और चिकन थाई दोनों की मैंने ली है, क्योंकि खाली चिकन ब्रेस्ट जो है वो ड्राई सी हो जाती है। तो इसमें मैंने चिकन टिक्का और तंदूरी मसाला दोनों डाली हैं छान के, और योगर्ट डाली है, योगर्ट के साथ मैंने लेमन जूस डाला है, और लेमन जूस के बाद जो आपको नज़र आ रहा था ना, तो वो क्रीम है, 35% क्रीम मैंने इसमें डाली है, और फ्रेश गार्लिक। तो ये एक हो गया हमारा, और अभी जो है पर्शियन कबाब मेरा फेवरेट है आई थिंक, लेकिन इसके बाद जो है फिर वो भी मेरा फेवरेट है। यहाँ पर मैंने योगर्ट, गार्लिक, लेमन जूस, ज़ाफ़रान वाटर, और ये सुमक स्पाइस है, सॉल्ट, पेपर, और ये लेमन आई थिंक मैंने मेंशन किया, और इसके बाद ऑयल डाला मैंने इसमें, और इसको भी मिक्स करके मैं ज़िप लॉक फ्रीज़र बैग में डाल के फिर इसको फ्रीज़ कर दूँगी। और ये है पेपर चिकन, तो ये भी मेरा फेवरेट है। ये भी घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, इसकी मैरिनेशन इतनी मज़ेदार होती है ना, इसकी मैं आपको बताती हूँ। तो एक ब्लेंडर में आपने आधा लेमन पील करके उसमें डाल दें, लेमन जूस नहीं, पील करके लेमन पूरा डाल दें, आधा लेमन, ग्रीन या रेड पेपर, चिली पेस्ट, गार्लिक क्लोव्स, वन होल अनियन, और केजन स्पाइस, जितने आपको खानी है तो केजन स्पाइस उसमें, तो सारी चीज़ें डालकर आप अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लें, ऑयल भी साथ में डालें, सारे मैरिनेशंस में ऑयल डालें, और फिर बस चिकन को मिक्स करके फ्रीज़ कर। और यहाँ पर मैं पकोड़ों का मिक्स मसाला बना रही हूँ, तो मैंने 500 ग्राम बेसन का लिया है, यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून राइस फ्लावर ऐड किया था, 2 टेबलस्पून मैंने धनिया ऐड किया था, 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा ऐड किया था, 1 टीस्पून मैंने अजवाइन ऐड, 3 टीस्पून सॉल्ट, और 1 टीस्पून हल्दी, और 1/4 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा भी ऐड किया। फिर इन सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके ये मेरे पकोड़ा मिक्स रेडी हो गया था। तो इससे ये होता है कि ज़ाहिर है आप नमक वग़ैरह चख नहीं सकते, तो आपको पहले से ही पता होता है कि इसमें सारी चीज़ों की मकदार बिल्कुल सही है। और बस यहाँ पर मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की, मैं इतने ज़्यादा गार्लिक को मैंने विदाउट ग्लव्स पील किया, और मेरी उंगलियाँ जो बर्न कर रही थी ना इसके बाद, मेरे हस्बैंड और बच्चे थे घर पर, वरना मैं जो है मैं रो देती। बहुत ज़्यादा चल रही थी मेरी उंगलियाँ। खैर, गार्लिक पेस्ट भी हमारा रेडी हो गया था, जिंजर को मैंने पील करके साइड पे रख दिया था, क्योंकि उसको वॉश करके अभी तक वो ड्राई नहीं हुआ, तो उसको मैंने नेक्स्ट डे पे किया था, इसलिए मैंने उसकी क्लिप्स यहाँ पर नहीं डाली। ये पूरी तरह से अभी सेट नहीं हुए थे, लेकिन बस मुझे इसको निकाल के फ्रीज़ करना था, अभी मुझे जल्दी से सारे काम ख़त्म करने थे, और मैंने घी भी बना लिया था, ये मैंने 3 बटर से बनाया था, और फ़िलहाल गर्म है इसलिए मैंने कंटेनर में डाल के इसकी लिड अभी तक इस पर नहीं डाली थी, लेकिन जब कूल डाउन हुई तो उसके बाद मैंने इसकी लिड पे इसके ऊपर डाल दी। और बस इसी के साथ ही वह जिंजर रहता है वो मैं कल करूँगी, और बस मेरी सारी जो फूड प्रेपरेशंस थी उसके लिए, और जो क्लीनिंग वगैरह थी तो वो किचन की, वो सारी फिनिश हो गई है रमज़ान के लिए, और कल जो है मैं फिर बाकी सारे घर की डीप क्लीनिंग करूँगी। आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम मेरे साथ स्पेंड करने के लिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह पमान।